हाय गाइस, आई एम तुषार एंड आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन। और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपना ओला एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। पीछे मेरी ओला S1 एयर है, और ताकि आपको भी हेल्प मिल पाए कि कौन सी ओला परचेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको इसके फीचर के बारे में बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास थी ओला S1 Pro, जिसको मैंने 2 साल तक यूज़ किया और मैं मिस कर गया था क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन की थी। तब बैटरी वारंटी थी 3 साल की और मुझे 1 साल के अंदर बैटरी वारंटी एक्सटेंड करनी थी, तो मैं एक्सटेंड करके 5 साल तक एक्सटेंड या 8 साल तक भी एक्सटेंड कर सकता था। वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिस हो गई और फिर मैंने इसे सेल कर दिया और फिर से मैंने ओला S1 एयर लिया, उसको बेच के, जो कि बजटेड व्हीकल है। अब ओला बेच के फिर से ओला लिए, उसका रीज़न ये है कि ये एक कंपनी है जो कि दे रही है 8 साल की बैटरी वारंटी। दूसरी जो कंपनीज़ हैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उदयपुर में, एथर है, एथर के सर्विस सेंटर भी है, वो आपको देते हैं 5 साल की बैटरी वारंटी। सबसे ज़्यादा तो ओला ही दे रही है, तो मैंने ओला को ही चूज़ किया। अगेन मैं आपको ओला S1 एयर का लुक एंड फील बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने S1 प्रो जो फर्स्ट जनरेशन थी वहाँ से प्लास्टिक सपोर्टर है उसको हटा के स्टील का लगा दिया है। चेसिस से जुड़ा हुआ है, काफ़ी मजबूत है। आप इसको इंडिया में तो भाई पार्किंग के लिए इसको खींच के निकालते हैं, तो खींचो इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो बैटरी चार्जिंग सॉकेट है ये काफ़ी डेलिकेट होता है, यहाँ पर लोग काफ़ी छेड़ा छाड़ी करते हैं तो ये टूटने की चांस रहती है। ओला S1 प्रो में यहाँ पर रबड़ कवर दिया है, S1 एयर में नहीं दिया है। यहाँ पे पीछे रेयर में इन्होंने डुअल शॉक दिए हैं और हब मोटर है टायर में। S1 प्रो में यहाँ पे चेन ड्राइव मोटर है। हब मोटर में इतनी दिक्कत नहीं होती, अगर आप सर्विस सेंटर है तो वो ही इसको खोल के अगर कोई प्रॉब्लम होती तो रिपेयर करेंगे। अदरवाइज़ आप अगर नॉमिनल स्पीड में भी चल रहे हैं, गर्मी के मौसम में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो काफ़ी सही चल रही है गाड़ी। अभी 1 महीना हुआ है गाड़ी को चलते हुए। साइड में इन्होंने बैक सीट के पास ये फुटरेस्ट दिए हुए हैं। अभी यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि जब मैंने S1 एयर ऑर्डर करी है तो ऑर्डर करते समय एसेसरीज ऐड करने का ऑप्शन आता है। एसेसरीज ऐड करते समय मैंने बड़ी फुट स्टेप ऑर्डर किया साथ में, वो नहीं आया अटैच होकर कंपनी से, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। वो अटैच होकर आना चाहिए था। फिर बाद में मेल करने पर पता लगा कि ऑर्डर डिले भी हुआ 1 महीना और वो आएगा सर्विस सेंटर पे, तो वहाँ जाके इसको फिट करवाना पड़ेगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस सेंटर मेरे घर के पास है तो लगवा लेंगे, बट ये नहीं होना चाहिए था। 2 मिरर हैं और यहाँ पर थोड़े से S1 प्रो फर्स्ट जनरेशन से जो ऑप्शंस के इंडिकेशन हैं वो थोड़े से चेंज किए हैं, बाकी यूज़र इंटरफेस अच्छा है। डिस्प्ले S1 प्रो के कंपैरिजन में थोड़ा डिले देता है और यूज़ करने का एक्सपीरियंस थोड़ा कम अच्छा है, बट चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये 580 किलोमीटर चल चुकी है, 1 महीना हो गया है गाड़ी को। फ्रंट से देखें तो लुक S1 प्रो जैसा ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बट मोनोशॉक की जगह अब जो चेंज कर दिए हैं डुअल ट्विन शॉक फ्रंट में, S1 प्रो में भी सेम मिलेगा। यहाँ जो टायर है वो स्टील के मिलेंगे, S1 प्रो में अलॉय आता है। और जो ब्रेक्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जो S1 एयर में आते हैं ड्रम ब्रेक, और S1 प्रो में आपको मिलेंगे डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक बाहर होते हैं तो थोड़ा डस्टिंग और इनकी दिक्कत होती है, ड्रम ब्रेक में वो दिक्कत नहीं है, बट ड्रम ब्रेक में पार्ट्स मूवमेंट करने वाले पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स ज़्यादा हैं, तो आपको सर्विसिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट अगेन सर्विस सेंटर में कराएंगे ये काम तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लाइट इंडिकेटर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। जो फुटरेस्ट एरिया है वहाँ पर जो बम्प था पहले फर्स्ट जनरेशन में वो हटा दिया है, अभी फ्लेट हो गया। इसके नीचे जो बैटरी है S1 एयर में जो बैटरी है वो है 3 kWh की, और S1 प्रो में आपको मिलती है 4 kWh की बैटरी। की मोटर पावर जो है S1 एयर की वो है 2.7 kW एवरेज, और नॉमिनल पावर बोल सकते हैं 2.7 kW,
और S1 Pro में जो आती है वो 5.5 किलोवाट रेटेड पावर ऑफ द मोटर। अब क्योंकि S1 Pro में जैसा बताया था कि बाहर मोटर होती है, हीटिंग कम होती है, तो हम थोड़ी इसकी पावर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी प्राइस डाउन करने के लिए अब मोटर का यूज़ किया जाता है। तो उसकी बॉडी क्योंकि टायर के अंदर पैक्ड है तो हीटिंग होती है, इसलिए इसकी रेटेड पावर भी कम रखते हैं, 2.7 किलोवाट की रखी हुई है। परफॉर्मेंस वाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेंज जो बोलती है 100 किलोमीटर आर ट्रू वो मुझे मिली है इन नॉर्मल मोड। इको मोड में ये 120-130 तक इजीली जा रही है। मोड इसमें हाइपर मोड नहीं है, तो अगर आप डिसेंट ड्राइव करते हैं तो आपको हाइपर मोड और स्पोर्ट्स मोड इनकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती। नॉर्मल मोड में काफ़ी अच्छी स्पीड आती है। आप इसके चेसिस में देखें तो थोड़े से गैप दिखते हैं आपको, बाकी इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गैप्स आप देख सकते हैं। फुटरेस्ट के ऊपर यहाँ पे स्पीकर दिए हैं, अपना फ़ोन रख सकते हैं। इसका हुड स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मैंने स्केटिंग रखी है और वाटर बॉटल है, काफ़ी बड़ी साइज़ है तो भी ये अच्छे से आ गया है और काफ़ी जगह भी बची हुई है। इसको बंद करने में ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो नोज़ल है आपको अच्छे से प्रेस करके लगाना होता है, नहीं तो ये बंद नहीं होता। इसका जो साइड स्टैंड है वो भी काफ़ी डेलिकेट है, आप इसे ढलान पे नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि इसमें कोई स्टॉपिंग मैकेनिज्म नहीं है, तो ये जाके स्कूटी आपकी गिर सकती है। तो यहाँ पे एक इसका डिसएडवांटेज है, इसकी डिज़ाइन इन्होंने इम्प्रूव नहीं की है। ओला S1 एयर के साथ जो चार्जर आया है ये सेम है ओला S1 Pro के साथ भी। सेकंड जनरेशन में इन्होंने नोज़ल पर रबड़ कैप नहीं दी है, फर्स्ट जनरेशन में तो थी, ओला S1 Pro का नहीं पता। एक्स्ट्रा इन्होंने प्लग के साथ यहाँ पे कुछ टेस्ट सर्किटरी ऐड करी है, टेस्ट एंड रिसेट बटन है यहाँ पर। ये ओला S1 का चार्जर है, इसको आप डिक्की में नहीं रख सकते क्योंकि अगर आपकी बैटरी डाउन हो गई तो आपका हुड नहीं खोल पाओगे और चार्जर आपका अंदर ही रह जाएगा। इट्स बेस्ट टू कीप इट आउटसाइड, घर पे रखें। और अगर ओला डिस्चार्ज होती है आप नहीं ला पाते हैं तो घर से किसी को बोल के चार्जर ला के आप कहीं भी चार्ज कर सकते हैं, कीप इट आउटसाइड। तो अगर आप डिसेंट ड्राइव करते हैं तो आपकी जो 8 साल की बैटरी वारंटी है, मेन पार्ट बैटरी है तो 8 साल की बैटरी वारंटी, बैटरी को कुछ होता है तो वो कवर्ड है। अदरवाइज़ गाड़ी को आराम से चलाओ और इसका ध्यान रखो तो अच्छी चलेगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ओला S1 Pro जो मेरे पास सबसे पहले थी उसमें एक और प्रॉब्लम थी कि इको मोड में वो मेरी घर की रैम भी नहीं चढ़ पाती थी और गाड़ी तो नहीं चढ़ पाती थी इको मोड में, साथ में पैवेलियन होता है उसके साथ तो बिल्कुल नहीं चढ़ पाती। सेकंड जनरेशन ओला S1 एयर इको मोड में इजीली आपकी गाड़ी चढ़ सकती है। तो पीछे जो है उदयपुर में करणी माता है, करणी माता का पहाड़ी जो है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो इजीली चढ़ जाती है।
काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको डाउट क्लियर हुआ होगा S1 Pro S1 Air में, और आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइड हाउ टू परचेज एंड व्हाट टू परचेज। तो इंडिया मार्केट के लिए अभी ओला ही ठीक है, जब तक कि होंडा या दूसरी कॉम्पिटिटर व्हीकल नहीं आ जाती। ओके, थैंक यू।